यम्मी टेस्टी अंगूर की लौंजी, या फिर कहिए अंगूर की सब्जी, या फिर कहिए अंगूर की चटनी, जो चाहे आप खाइए। क्या आप रेडी हैं इसे खाने के लिए? पर उसके पहले बनाना तो पड़ता है ना, चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका मेरे किचन में, यानी कि सारिका के किचन में, जहाँ पे मैं आपको डेली नई नई सब्जियाँ बनाना सिखाती हूँ, नए नए तरीके के खाने बनाना सिखाती हूँ, जिससे कि आप अपना डेली की कुकिंग जो है, रोज़मर्रा का जो खाना है, आप उसको और बेहतर बना सके और स्वादिष्ट बना सके और दूसरों की तारीफों के पात्र बन सके। तो इसके लिए चलिए देखते हैं आज क्या बन रहा है मेरे किचन में। देखिए इसके लिए क्या करना है, कढ़ाई में थोड़ा सा हम घी गरम कर लेंगे। देसी घी में हम बना रहे हैं इसको ताकि ये टेस्टी रहे और साथ में हेल्दी भी। अब हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड सीड्स। राई तड़क जाने के बाद में हम इसमें डालेंगे सूखी लाल मिर्च तोड़ करके, और यहाँ पे जरा सा इसको भून लेंगे सूखी लाल मिर्चों को, ताकि जो फ्लेवर है वो उसका घी में आ जाए। और हमने यहाँ पे अंगूर ये धो के सुखा के जो रखे हुए हैं, ये एक कप अंगूर हमने इसमें डाल दिए। और साथ ही डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, और इसको यहाँ पे चलाएंगे बहुत ही कम मसालों के साथ। अगर आपको इंटरेस्टिंग और टेस्टी खाना बनाना है ना, तो आ जाइए मेरे चैनल पे, बहुत सारी रेसिपीज मिलेंगी जो कि आप बहुत ही कम मसालों में बहुत ही शानदार तरीके से रेडी कर सकते हैं। तो इसको हम ढक कर के पका लेंगे। देखिए आप यहाँ पे अंगूर का कलर है ना, थोड़ा चेंज होने लगा है, जब तक ये पकना शुरू हो चुका है, और इसका कलर जो है थोड़ा लाइट पड़ने लग गया है। अब हम यहाँ पे थोड़े से और मसाले ऐड करेंगे, जैसे काली मिर्च पाउडर, भुना जीरा पाउडर, और ये लाल मिर्च पाउडर, और साथ ही में ये थोड़ा सा गरम मसाला, और ये सेंधा नमक। ये सारे मसाले जो मैं यूज करती हूँ, ये सब मैं घर में ही रेडी करती हूँ, घर में पीस करके रेडी करती हूँ, और इनका स्वाद यकीन मानिए बहुत ही अच्छा आता है और बहुत ही डिफरेंट आता है। और ये है यहाँ पे थोड़ी सी चीनी, अपने स्वाद के अनुसार आप डाल लीजिए। आप चाहे तो चीनी अवॉइड करके यहाँ पे गुड़ भी डाल सकते हैं, मैं इस समय इसे चीनी में बना रही हूँ। ये देखिए क्या कलर चेंज हो गया इसमें, हमने इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाली थी, और ये गरम मसाला भी यहाँ पे ऐड किया। सारे मसाले अगर घर के पिसे हुए होते हैं ना, तो उसका टेस्ट ही लाजवाब होता है। थोड़ी से मसालों में क्या अच्छी खुशबू आती है और क्या ही टेस्ट आता है, आप ट्राई कीजिए, आपको भी पता चल जाएगा, और आप भी बाजार से मसाले खरीदना मन करके फैन हो जाएंगे अपने घर के मसालों के। तो चलिए बातों में, तैयार है हमारी अंगूर की लौंजी। अब आप इसे रोटी, चपाती, पराठा किसी के साथ भी सर्व कीजिए। फ्रिज में रख करके आप इसको 8-10 दिन इंजॉय कर सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर में आप इसको रख दीजिए, ये आपकी चटनी कहीं खराब नहीं होगी। तो खाइए, पीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। कैसी लगी आपको आज की मेरी ये रेसिपी, मुझे ज़रूर बताइए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और अपने विचार मेरे लिए ज़रूर छोड़िए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। क्या आप चाहते हैं कि मैं और भी वीडियोज इस तरीके की आपके लिए पोस्ट करूँ या फिर ना करूँ? आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो शेयर भी ज़रूर करें।